सनरूफ बंद कर दो। सनरूफ बंद। अरे वाह भाई, ये बढ़िया फीचर है यार। टेस्ट ड्राइव के लिए तो भाई साहब लाइन लगी पड़ी है। डिलीवरी का कह भी रहते कि तुम अपने पेपर वेपर तैयार रखना, डिलीवरी कभी भी मिल सकती है, तो हो सकता है मैं इसी मंथ में। ब्लैक एडिशन लग रहा वो था कि वो हिंदी को समझता है। ये बोल दो कि भाई सनरूफ बंद करो तो बोलती है सनरूफ बंद हो रही है। हाँ। भाई सब नेक्सॉन देख रहे हैं यार ये, और मुझे ऐसा लग रहा है हमें भी अपनी कंप्लीट ब्लैक करानी पड़ेगी ऊपर से। भाई ये चीज कितनी अच्छी है ना यार ये। टॉप मॉडल ही बुक कर दें। ऐसे हमारा कंसोल आएगा जिसमें आम रेस्ट नहीं होगा, इसलिए हमें थोड़ा सा कंसोल भी चेंज कराना पड़ेगा। इसको हमने पता कर लिया कि इसमें 10,000 रुपए खर्चा बता रहे हैं। मेरे हिसाब से प्योर से क्रिएटिव जाने में कोई फायदा नहीं है। लोग कहते हैं ना नेक्सॉन में बैठ के थोड़ी सी इंजन की आवाज आती, तो इतनी इंजन की आवाज नहीं आ रही थी जो हमने महसूस किया। साइड में देखा था एक मैडम सेंटर लेके जा रही है चलाती हुई, उसे पता ही ना पीछे गाड़ी मार दी। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। और आज हम जा रहे हैं टाटा मोटर अपनी नेक्सॉन की टेस्ट ड्राइव लेने। न्यू नेक्सॉन की जो भी आई है उसकी टेस्ट ड्राइव अवेलेबल हो गई, तो हम जा रहे हैं टेस्ट ड्राइव लेने। और वहाँ पे कौन सा वेरिएंट खड़ा है वासू टेस्ट ड्राइव के लिए? फियरलेस है, टॉप मॉडल है, 7DCA खड़ा है, लेकिन हम तो मैनुअल ले रहे हैं। प्योर हमें देखने को मिल नहीं रहा कहीं पे, जो हमें उसका जो कलर है वो पता लग जाए कैसा लगेगा। वैसे तो अच्छे लगेगा क्योंकि इतने इमेजिन तुम कर लेते हैं कि वासू, और ना भी लगेगा तो हम अच्छे बना देंगे क्योंकि हम उसमें मॉडिफिकेशन कराएंगे। और ये है कि हम डिटेल रिव्यू करेंगे वहाँ जाके, क्योंकि और हाँ जैसे मेरा तो व्लॉग बनेगा, मेरे तो यहाँ से लेकर वहाँ तक की वीडियो बनती है, तो वासु बनाएगा उसका डिटेल ड्राइव। एक तो करेंगे ड्राइव रिव्यू, एक ड्राइव रिव्यू हो जाएगी। डिटेल ड्राइव रिव्यू इन द सेंस कि हम टेस्ट ड्राइव लेके बताएंगे गाड़ी कैसी है, और वो तो मैं ही बता दूंगा कैसी है। वैसे तो अच्छी होगी, और जहाँ तक मुझे लगता है कि पहले और अब की गाड़ी में चलाने में तो कोई फर्क होगा नहीं। नहीं, एक तो पता क्या, 7DCA मैंने कभी चलाई ना। 7DCA का मतलब भाई डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाता है। उससे क्या होता है कि बिल्कुल भी शिफ्ट होते हैं ना, पता नहीं लगता, तो इतना कुछ फील नहीं होता। वो जैसे प्रीमियम गाड़ी होती है ना जिसमें पता नहीं लगता, ऐसे हो जाता है डीसी में। क्योंकि मैंने अल्ट्रोस चलाई थी वो DCA थी, अब वो भाई साहब ऐसी थी पता ही नहीं लग रही थी कब गियर चेंज कर रही है। तो इस तरह का सिस्टम है, और सिस्टम हो गई तो ऐसी। नई नई अपडेट देखने के लिए वाशिंग चैनल को सब्सक्राइब कर। नेक्सॉन की जितनी जो हम नेक्सॉन ले रहे हैं उसकी मैं अपडेट बताता रहूंगा, इसी बात पे तुम सब्सक्राइब कर लेना, जब तो आपको पता लगेगा। सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक है, लाइक कर दो, शेयर कर दो, जो करना सब कर दो, ठीक है। और यहाँ से है ये 32 मिनट दिखा रहा है 15 किलोमीटर के लिए। पहुँच गए हम टाटा मोटर्स, और यहाँ पे आज हम लेंगे टेस्ट ड्राइव। कौन सी खड़ी है बाहर? यू खड़ी है टेस्ट ड्राइव के लिए, ग्रे कलर वाली खड़ी है। ग्रे में यार गाड़ी ब्लैक एडिशन लग रहा है, इतनी अच्छी नहीं लग रही जितनी प्योर मिलेगी। प्योर ग्रे इसमें तो अच्छी लगी ना रही। चलिए तो सही है, ये कलर भी हमें देखने को मिल गया। क्योंकि एक बार मैं ये भी सोच रहा मैंने कहा एक बार इसे तो देख लें भाई कैसा है ये कलर, पर इतना खास नहीं लग रहा जितना प्योर ग्रे लगेगा। चलो भाई अब बोलो ड्राइव कर रहा है। हाँ ये हिंदी भी लैंग्वेज समझता है ना। अच्छा एक ही कमी लगी मुझे इसमें, सब गाड़ी में होता है ब्रेक छोड़ दी लग जाती है। हाँ नहीं चल रही है इसमें भी अच्छा, इसमें क्रीप फंक्शन नहीं है, वो AMT में आता है। अच्छा ये सब नेक्सॉन देखते हुए भाई रुक जाओ। भाई सब नेक्सॉन देख रहे हैं यार ये, और थोड़ा ध्यान से चलिए बस तू तो। चल भाई आपको फंक्शन दिखाता हूँ वॉइस असिस्ट का। क्या बोल रहा हूँ? सनरूफ बंद करो, सनरूफ बंद कर दो। सनरूफ बंद कर दो। अरे वाह भाई ये बढ़िया फीचर है यार। प्लीज फैसन पैसेंजर सीट बेल्ट। तो कैसी लग रही है गोलू? देख चलाने में तो पूरा मजा आ रहा है, जैसे कोई बढ़िया सी गाड़ी चला रहा तो प्रीमियम वाली है ना। हाँ पर जैसे इसमें मीटर वीटर दिख रहे हैं ना, ये डिस्प्ले दिखे है। हाँ। ये हमारे प्योर मॉडल में ही दिखेगी। क्या दिक्कत है, हम तो देख लेंगे चेंज करा लेंगे ना। हम कराएंगे क्योंकि हमें तो एसी बनानी है वो टॉप मॉडल्स में ऊपर। तो मजा आ रहा है नहीं गाड़ी चलाने में तो मजा सही लिया है, मतलब बढ़िया गाड़ी है। अंदर से बैठ के लग नहीं रहा हम नेक्सॉन चला रहे हैं, बस ये है मेन बात। ये जाने ना दे भाई, दिल्ली का यही सीन है यार। देख के थोड़ा सा लेकिन ये टॉप एंड वेरिएंट भी है ब्रो, और मुझे ऐसा लग रहा है हमें भी अपनी कंप्लीट ब्लैक करानी पड़ेगी ऊपर से, छत वगैरह चोर करवा देंगे अलग। छत तो हम ब्लैक करवाएंगे। हाँ पिलर्स वगैरह। लेकिन गोलू इनके पिलर में भाई वो है एयर बैग। हाँ पिलर में तो पेंट तो कराने हैं। ये भी बात सही है, हमें कौन सा रैप कराने हैं। ये देख कैमरा साथ भाई, ये चीज कितनी अच्छी है ना यार। ये क्या कह रहा वासु, टॉप मॉडल ही बुक कर दे। टॉप मॉडल कुछ ज्यादा ही, टॉप मॉडल में ही है, इसको छुमी दे दू। चलो भाई इंटीरियर देखो। तो भाई ये है नेक्सॉन क्रिएटिव प्लस का इंटीरियर, और ओशियन ब्लू कलर में है ये। यहाँ पे इसमें ऐसे मिल जाता है उसी कलर का, जिस कलर की गाड़ी है उसी कलर का थोड़ा सा इंटीरियर मिल जाता है, और ये सॉफ्ट टच है
है थोड़ा सा, और यहाँ से वाइट पार्ट मिलता है। लेकिन ये अभी हमने चलाया था टॉप मॉडल, इसका टेस्ट ड्राइव में सबसे बेस्ट इंटीरियर वही लगा जो पूरा ब्लैक था। इसमें सीट्स भी थोड़ी सी इसमें कलर चेंज है, और वैसे तो सब सेम ही, और इसमें 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है। एक बार स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट ना होते इसे बंद कर देते हैं। ये दिखाना था कि टाटा का लोगो जल जाता है इसमें, और ये मैनुअल है 6 स्पीड, और ऐसे ही हमारा ट्रांसमिशन आएगा, ऐसे ही हमारा कंसोल आएगा जिसमें आर्म रेस्ट नहीं होगा, इसलिए हमें थोड़ा सा कंसोल भी चेंज कराना पड़ेगा। इसको हमने पता कर लिया कि इसमें 10,000 रुपये खर्चा बता रहे हैं, तो कोई नहीं 10,000 रुपये खर्चा भी कर लेंगे। और इसमें भी पीछे चार्जर नहीं है जैसे कि हमारी प्योर में नहीं आएगा, पर ऐसे ही सब कुछ आएगा। जैसे ये टच कंट्रोल है, ये डिस्प्ले चेंज हो जाएगी हमारे में, और ये मीटर चेंज हो जाएगा, और सब ऐसे आएगा। और यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं आएगा, मैनुअली हम की से स्टार्ट करेंगे। सी टाइप है, ये नहीं आएगा, सिर्फ ए टाइप आएगा हमारे में, और सब कुछ ऐसे ही होगा। और अगर इंटीरियर थोड़ा बहुत चेंज हुआ तो उससे हम पूरा ही चेंज करा देंगे, क्योंकि हमें ये सब पसंद नहीं, और सनरूफ नहीं आएगी हमारे में जैसे कि यहाँ पर है, और सब तो ऐसे ही आएगा जैसा है इसमें। और इसमें हाइट एडजस्टमेंट है, हमारे में नहीं आएगी, प्योर वेरियंट में नहीं आती वो, तो इसमें भी ऑटो फोल्ड लाते हैं, हमारे में ऑटो फोल्ड नहीं आएंगे, सिर्फ इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल आएंगे। काफी फीचर्स इसमें ऐड हुए हैं, बहुत मेन तो इसकी डिस्प्ले है, इसका मीटर है, ये हो गए सनरूफ हो गई, और फोल्डिंग मिरर्स हो गए, IRVM ऑटोमेटिक हो गया, ये सब चीज इसमें ऐड हो जाए, उसमें नहीं होंगी, इसमें है। और इसमें वेरिएंट में पैसों का बहुत फर्क है, तो मुझे ये वर्थ नहीं लग रहा इतना, ये चीज तो हम बाहर से करवा देंगे, तो मुझे प्योर वेरिएंट ज्यादा वर्थ लग रहा है। और कलर भी उसमें ही अच्छा है, इसका तो बहुत ही बेकार कलर है। वैसे अंदर से आप बताओ कि कैसी लग रही है। तो भाई अब आ गया हूँ मैं क्रिएटिव प्लस से टाटा नेक्सोन ईवी में, और इसकी सबसे पहले देखो सबसे बड़ी तो इसकी स्क्रीन है। तो भाई इसे मैं स्टार्ट भी नहीं कर रहा, क्योंकि ईवी में पता नहीं लगता कभी स्टार्ट होगी, पता लगी जाके उसमें शीशे में ठुक गई, वासु को दबा दिया, इसलिए मैं इसे स्टार्ट भी नहीं कर रहा। इसमें पता नहीं क्या क्या आ रहा, पार्क ब्रेकर है, मैंने पहले ईवी चलाई भी नहीं है, इंडिकेटर, और इसका वैसे तो सेम है जैसे नॉर्मल नेक्सोन है अंदर से वैसी है, कुछ भी इसमें अलग नहीं है। अगर इसका ऑटोमेटिक देख लें तो बस इंटीरियर मान लो अलग है, और इंटीरियर इसका अच्छा है, लेकिन सबसे बेहतरीन तो वही जो फुल ब्लैक है, इसके सनरूफ कर देते बंद, और इसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं जो मैं मतलब जैसे उससे कुछ अलग हो। इसमें सारे फीचर्स, इसका टॉप मॉडल ले लो या नेक्सोन ईवी देख लो, अंदर सारे फीचर ऐसे ही मिलेंगे, बस इसकी स्क्रीन साइज बढ़ जाएगा, और कुछ तो है नहीं इसमें जो बड़े, और तो सब सेम ही है कि नेक्सोन ईवी और नेक्सोन का टॉप मॉडल अंदर से बिल्कुल सेम है, बस स्टार्ट करोगे तो आवाज नहीं आएगी, उसे स्टार्ट करोगे तो आवाज आएगी। और प्योर का इंटीरियर कुछ इस तरह का ही आएगा, क्योंकि उसमें भी ग्रे का टच है और इसमें भी ग्रे का टच है, तो प्योर का जो इंटीरियर है वो कुछ इस तरह का ही आएगा मेरे हिसाब से जिसे हम ले रहे हैं, पर हम उसे पूरा ब्लैक करा देंगे क्योंकि मुझे पसंद नहीं आ रहा है ग्रे और ब्लैक, अपना पूरा ब्लैक ही बढ़िया लगता है। तो भाई टाटा के शोरूम से निकल चुके हैं, हमने टेस्ट ड्राइव ले लिया, मुझे ज्यादा टेस्ट ड्राइव नहीं मिली क्योंकि इस बंदे को टेस्ट ड्राइव का रिव्यू देना था, तो इसका ज्यादा जरूरी था, इसलिए ले ली। मैंने भी ली है थोड़ी, पर उसकी कोई टेंशन मतलब मैं इसकी थोड़ी सी क्लिप डाल दूंगा। और इसमें आज हमने क्रिएटिव प्लस ईवी का डिटेल रिव्यू किया है, ईवी का और क्रिएटिव प्लस का, और टेस्ट ड्राइव के लिए तो भाई साहब लाइन लगी बड़ी है। मुझे लगता है इसी शोरूम पे मिल ली थी क्या टेस्ट ड्राइव, बस हर जगह नहीं पहुंची ना गाड़ी, हमने गाजियाबाद में करी, गाजियाबाद में टेस्ट ड्राइव नहीं है, तो यहाँ पे मिल गई टेस्ट ड्राइव, तो इसलिए हमें बस एक चक्कर सा लगवा के आए हैं, उसमें ही बना लिया हमने जितनी वीडियो बना ली, अलाउड नहीं है बिल्कुल भी, अलाउड नहीं है। मैं चश्मा लगा लेता हूँ। डिलीवरी का कह भी रहे थे कि तुम अपने पेपर वेपर तैयार रखना, डिलीवरी कभी भी मिल सकती है, तो हो सकता है हमें इसी मंथ में, ये कह रहे जाते कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी ये कह रहे कभी भी कुछ भी हो सकता है, अभी वैसे वेटिंग पीरियड भी नहीं आया इसका, और हमसे कह रहे हैं कि भाई पेपर तैयार रखो, ऐसा लग रहा है कि हो बस अगले हफ्ते हमें मिल जाएगी। अच्छा एक चीज पता क्या अच्छी लगी मुझे इसमें नेक्सोन में, जिससे मैं डर रहा, मैंने कुछ वीडियोस देखी उसमें कुछ बंदों ने बोला कि टाटा की वही प्रॉब्लम के यार, सफारी ले लो या हेरियर ले लो या पंच ले लो, कुछ भी ले लो, कितनी बड़ी गाड़ी ले लो, तुम्हारे घुटने जरूर टच होंगे, पर नेक्सोन में भाई साहब ऐसा कुछ है ही नहीं है। ये तो मुझे भी नहीं हुआ, मेरा मैंने कोशिश करी सीट आगे करके देखूं क्या पता भाई, पर कुछ भी नहीं है, मैं अपने कम्फर्ट लेवल में जिस हिसाब से सीट को एडजस्ट करके जहां बैठता हूं उस हिसाब से मैंने सीट एडजस्ट कर रखी थी, उस हिसाब से बिल्कुल भी टच नहीं हो रहा था पैर, तो मुझे कसम से बता रहा हूँ मेरा डिसीजन बिल्कुल परफेक्ट रहा, मजा आ गया गाड़ी को देख के, इंटीरियर भी, लेकिन अब जैसा हम चाह रहे वैसा हमें कराना पड़ेगा वरना इतना ही मजा नहीं आएगा। और जो हमने तीन चलाई थी, एक तो क्रिएटिव प्लस, एक क्रिएटिव चलाई नहीं, नहीं मतलब भाई एक तो चलाई थी, कौन सी चलाई थी वो, फियरलेस प्लस DCA, हाँ तो हमने फियरलेस प्लस चलाई थी, और क्रिएटिव में मैं बैठा था इंटीरियर में और ईवी में बैठा, सबसे बेस्ट इंटीरियर लगा था मुझे क्रिएटिव प्लस का, फुल ब्लैक, और हमारे में फुल ब्लैक नहीं आएगा मुझे पता है, लेकिन हम करवा देंगे, क्योंकि सच में भाई साहब जो उसमें आ रहा था ना, जो फुल ब्लैक दिख रही थी उसमें मजा था, उसमें जो रहा यार मजा नहीं आया, और सीट कवर्स वो अच्छे नहीं लगे, बस हमें लगवाने पड़ेंगे क्योंकि मुझे पसंद नहीं आया बिल्कुल। अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है ईवी में लग रहे थे ना वो भी पसंद नहीं आया, नहीं मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमें वो पार्टी ब्लैक कराने पड़ेंगे जो वो आएंगे व्हाइट व्हाइट से ग्रे से, तो नहीं तो कह रहा हूँ, पर ऐसा भी हो सके गोलू, नहीं ए पिलर बी पिलर ये सब तो करा देंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ सारे ही बी पिलर में तो एयरबैग है,
अरे पेंट ही तो होगा, पेंट तो होगा, वो पार्ट निकलने में कोई भाई ये नहीं निकलता है स्टीयरिंग, इसमें वो ना होता क्या, वो तो एक डब्बा से ही तरह है, तो फिर तो सारा ही करा देंगे ब्लैक। क्या होगा डब्बे का एक प्लग रहे, प्लग निकालो निकल जाएगा, क्योंकि जितना मजा नेक्सोन को अंदर से ब्लैक को देखने में आ रहा है ना, वो एक प्रीमियम को ना और ज्यादा चार चांद लगा रहा है, जैसे प्रीमियम फील कराएगी लेकिन ब्लैक में ज्यादा कराएगी गारंटेड है। तो भाई जुड़े रहो क्योंकि नेक्सोन में ऐसी ऐसी चीज करा देंगे ना तो ना होगी। और हाँ बैठा था मैं क्रिएटिव प्लस, और उसमें जो फीचर्स ऐड थे बस उसमें मुझे दो फीचर्स सही लगे थे, एक तो उसकी डिस्प्ले और एक उसका मीटर, वरना मेरे हिसाब से प्योर से क्रिएटिव जाने में कोई फायदा नहीं है सच में, मुझे ऐसा कुछ लगा ही नहीं कुछ अलग है। टच पैनल उसमें भी है, सेंटर कंट्रोल उसमें भी है, प्योर में भी हमें जो है ना, और हाँ IRVM उसमें ऑटोमेटिक है और ऑटो फोल्डेबल ये है मिरर्स, तो ये चीज इसमें ऐड है, तो इनकी हमें इतनी जरूरत नहीं है, करवाने को हम बाहर से करवा लेंगे, वो महंगा भी तो बहुत है, क्रिएटिव प्लस तो प्योर से 2.5 लाख रुपए महंगा है। हमें एक तो आर्मरेस्ट कराना है उसमें, ठीक है वो मैंने पता कर लिया है, तो भी रेट वेट तो नहीं बता रहा मैं क्या दिया, मैंने क्या बता भी दिया भाई 10 तक का होगा, 10 के आसपास का बनेगा, पूरा कंसोल नहीं कराएंगे, पीछे पीछे आर्मरेस्ट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता। दूसरी बात ये है कुछ तो भुलवा दे जितना हम बोलना चाह रहा, तो भाई उसे हम टॉप मॉडल बनाएंगे, डिस्प्ले हम ना चेंज कराएंगे, डिस्प्ले तो नहीं कराएंगे, हमें कंपनी की बढ़िया लगती है, हम बाहर से कराएंगे मुझे अच्छे लगते। तीसरी बात ये थी कि हम प्योर से क्रिएटिव में एक बार को अगर सोचे भी ना कि चलो हमें ये लगे चलो यार कर लो, तो वो कलर नहीं जाने दे रहा हमें प्योर वाला। हाँ कलर तो भाई वो मेन है, ईवी में वो लगभग थोड़ा सा टोन था व्हाइट से, थोड़ा सा ग्रे सिमिलर था, थोड़ा सा वो ज्यादा बढ़िया लग रहा था। और भाई साहब सबसे बेकार कलर में बताऊं ओशियन है ना यार, सबकी पसंद अलग है पर हमें अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल मतलब मोस्टली लोगों को अच्छा नहीं लगने का इतना है, कम से कम उसमें छतरी उससे अच्छा फियरलेस है, मतलब छतरी जो है ना व्हाइट और ओशन ब्लू का कॉम्बिनेशन है, तो कम से कम वो जो व्हाइट है ना वो ब्लैक ही हो जाती है तो ज्यादा अच्छी लगती है। तो भाई मैं सबसे बड़ा फीचर एक फीचर बताना भूल गया, वो था कि वो हिंदी को समझता है, ये बोल दो कि भाई सनरूफ बंद करो तो बोलती है सनरूफ बंद हो रही है, हाँ, जैसे मेट्रो में ना दरवाजा दाई ओर खुलेगा ऐसे बोल रही हो, तो भाई साहब ये सबसे बढ़िया लगा कि हिंदी में उसे बोलोगे ना तो रिस्पॉन्ड करती है, ये हमें इसलिए अच्छा लगा ना कि हम क्यों इंग्लिश को इतना वो इम्पोर्टेंस, और टाटा की गाड़ी है तो देश की गाड़ी है, देश की गाड़ी है तो हिंदी को तो सपोर्ट करेंगे। सबसे अच्छा फीचर वैसे यही लगा जब वो बोलते हैं ना सनरूफ बंद हो रही है, इसमें अलग मजा है, ठीक है इसमें हर बार कुछ अलग बोला मैंने देखा, एक बार तो बोला सनरूफ बंद हो रही है, एक बार बोल रही सनरूफ बंद किया जा रहा है, हाँ 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 बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल सनरूफ बंद किया जा रहा है। अभी मैं आपको क्लिप दिखाता हूँ, हेलो टाटा सनरूफ बंद करो, सनरूफ पहले से ही बंद है, सनरूफ खोलो, ऑल राइट सनरूफ खोल रहे हैं, क्लोज द सनरूफ, ओके क्लोजिंग सनरूफ। और मुझे ज्यादा टेस्ट ड्राइव के लिए मिली नहीं, लेकिन जितनी भी मैंने चलाई ना उसमें बहुत मजा आया, एक तो जैसे ये पैरट था ना इसमें देखो ये अभी जैसे सीट पीछे कर रखी है थोड़ी सी, इस चक्कर में सीट पीछे करके चलाते हैं लोग, तो उसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं है टाटा नेक्सो में, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम टाटा में है कि उसका हमारे जो घुटना है वो उसमें लगता है डैशबोर्ड में, उसमें नहीं है क्योंकि उसका डैशबोर्ड भी चेंज हुआ है इसलिए, और चलाने में बहुत मजा आया। सबसे ज्यादा तो उसका क्या बोलते हैं एम्बियंस जो है ना वो बेस्ट लगा, जो उसका एम्बियंस है उसमें बैठ के लगता है हाँ भाई अच्छी कर, लेकिन सबसे अच्छा उसी में लग रहा था जो फुल ब्लैक थी, जो मजा उसमें था ना फुल ब्लैक में इंटीरियर में वो किसी में नहीं था, बस ग्रे कलर लेंगे तो फुल ब्लैक आएगा यार, ग्रे आ रहा है उसमें अंदर, मैं तो चाह रहा फुल ब्लैक मिल जाए। अब कौन सा ग्रे कह रहा हूँ मैं, डेटोना ग्रे, डेटोना ग्रे में फुल ब्लैक है, अगर हम डेटोना ग्रे ही ले ले तो चल बे पागल है क्या, बिल्कुल दबी पड़ी है गाड़ी समझ ही ना आ रही, हाँ ये भी है लेकिन चलो कोई बात नहीं, अंदर का तो चेंज करा सकते हैं बाहर का तो भाई लेकिन ब्रो, इलीगल होता है ब्रो, ऐसा भी हो सकता है डेटोना ग्रे फियरलेस है इसलिए ब्लैक आ रहा अंदर का, अभी कुछ कंफर्म नहीं है ऐसा हो सकता है, चलो वो देखेंगे, वैसे तो हमने प्योर ग्रे बुक कर रखा है। लोग कहते हैं ना नेक्सोन में बैठ के थोड़ी सी इंजन की आवाज आती, तो इतनी इंजन की आवाज नहीं आ रही थी जो हमने महसूस किया, और DCA में बिल्कुल भी मतलब इतनी आवाज नहीं थी, जैसी पंच में है ना ऐसी आवाज थी ऐसी थी सुना, और हम तो उसमें डैम्पिंग भी करवा देंगे, जब हमने पुरानी नेक्सोन चलाई तो उसमें बहुत आवाज, उसमें बहुत आवाज थी यार, उसमें तो थी, अगर ऐसी भी बात है तो हम उसमें डैम्पिंग करा देंगे, तो डैम्पिंग तो जरूर कराएंगे। जो जो नेक्सोन खरीद रहा है वो हमसे जुड़ जाओ, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे, और जब ये मॉडिफिकेशन के लिए जाएगी तो आपको भी पता लगता रहेगा कहाँ पे मॉडिफिकेशन करानी चाहिए, क्योंकि आप भी किसी अच्छे पे जाओगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसके चैनल को भी कर लेना, अगर ये वायरल होगी तो इसका फायदा हो जाएगा। हम जा रहे हैं इस पंच को राइनो बनवाने, जो हमारे राइनो पे लिखा हुआ था ना बोनट पे राइनो और साइड में एम्बलम थे, तो उसी दुकान पे हम जा रहे हैं, लोग पूछते भी थे तुमने कहाँ से करवाया,
तो आज मैं दिखा दूँ कहाँ से करवाया है। पर जहाँ तक है ना, वो पिछली बार गया था जब भी उसकी थोड़ी मशीन खराब थी, उस दिन से लिखा ही नहीं है जब तुम्हारी राइनो गई है। हम सोच रहे हैं इसे राइनो बना दे, इसे राइनो बना दे, पर मशीन ही उसकी ठीक ना हुई। तो आज जाके देखते हैं कि उसकी मशीन ठीक हो गई होगी, तो आज इस पर राइनो लिखवा देंगे, साइड में एम्ब्लम एम्ब्लम लगवा देंगे, फिर तो दो राइनो घूमेंगी मार्केट में। तो भाई एज यूजुअल अब की बार क्या हुआ, अब क्या मशीन तो ठीक है, पर जो मशीन को चलाता वो नहीं, वो चले गया, तो आज भी इसका काम नहीं हो पाया। कभी वो आएंगे उस मैडम की स्टोरी पर भाई, अब ये गाड़ी लेके खड़ा, चलिए बताएगा। मैं गाड़ी लेके खड़ा अभी, मुझे आई पीछे धप एकदम आवाज है, मैंने क्या है, साइड में देखा था एक मैडम सेंटर लेके जा रही है चलाती हुई, मजाक नहीं उड़ा रहा भाई, लेकिन इतना गुस्सा आता है ना, उसे पता ही ना पीछे गाड़ी मार दी, क्या यार देख ढंग से चलाते हैं। फिर एज यूजुअल स्टार्ट नाम होता, हम देख रहे थे कहाँ लगी है, पता ही नहीं लगा कहाँ लगी, इसमें कुछ फर्क गिरा पड़ा। तो भाई इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय।